हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज एक साहसिक और जोखिम भरी राइड का अनुभव लेते हैं, जिसमें हाथ से खींचे जाने वाले लोकल मेड गंडोला की सवारी की जाती है। यह रोमांच तिमांग बीच से कटे हुए तिमांग आइलैंड पहुंचने के लिए हिंद महासागर की उफनती लहरों को पार करने का होता है। तिमांग बीच हिंद महासागर के सुंदर दृश्यों, गंडोला राइड के रोमांच और साथ ही फ्रेश लॉबस्टर खाने के लिए जाना जाता है। तिमांग बीच की इस यूनिक गंडोला राइड से मिलने वाला थ्रिल और एडवेंचर सभी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए यह फेमस अट्रैक्शन है। आज हम इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर बसे योग्याकार्ता सिटी के पास तिमांग बीच पर गंडोला राइड की रोमांचक सैर पर चलते हैं। इंडिया से योग्याकार्ता पहुंचने के लिए बाय एयर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आना होता है। जकार्ता भारत के प्रमुख शहरों से हवाई यात्रा द्वारा जुड़ा हुआ है और यहां से बाय एयर योग्याकार्ता पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तिमांग बीच योग्याकार्ता से 72 किलोमीटर है, जहां सड़क मार्ग द्वारा पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यहां पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए योग्याकार्ता से टैक्सी लेकर यहां आना होता है। यहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होने से पूरा रास्ता बहुत हरा भरा और सुंदर है और टीक के जंगल तो बहुतायत में हैं। यहाँ की टीकवुड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सड़कें भी अच्छी हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को देखकर नहीं लगता कि यह बहुत घनी आबादी वाली जगह है। यह सब देखकर इंडोनेशिया के बारे में इमेज और अच्छी हो जाती है। मेन रोड से हटकर 200 मीटर चलने के बाद एक गांव में बने पार्किंग एरिया पर पहुंचे। बताया गया कि यहां से 4x4 व्हील टैक्सी लेकर ही तिमांग बीच जा सकते हैं। हाँ भाई, हाँ जी, अगले एडवेंचर पर जल्दी है। हाँ, पार्किंग एरिया से तिमांग बीच का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का है। और बहुत ही रफ, बम्पी और अनपेव्ड है, जिसमें तीखे मोड़ हैं और तेज चढ़ाई के साथ स्टोन बोल्डर्स भी हैं। जीप राइड में बहुत संभल कर बैठना होता है, लगता है रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं। यहाँ बारिश का मौसम दिसंबर से मार्च तक होता है और जुलाई से अक्टूबर के बीच गर्मी। हम बरसात में यहाँ आए पर सड़क अधिक मड़ी नहीं थी। गोंडोला राइड का सबसे अच्छा समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहता है। Thank you.
आगे जाके जो है एक और बीच है जैसे तुम्हारे बीच है ना, परफेक्ट एकदम, वी आर सो लकी। तिमांग आइलैंड पर लॉबस्टर बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन लहरें इतनी तेज होती हैं कि उन्हें पार करके आइलैंड पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ के लोगों ने लकड़ी और रस्सियों की मदद से एक गंडोला बनाया। यहाँ नीले समुद्र की उफनाती लहरों को चट्टानों से टकराते देखना और उनसे बनता सफेद झाग मन में सिहरन पैदा करता है। पर गोंडोला पुलिस सिस्टम की मदद से चलता है जो पूरी तरह मैन्युअली ऑपरेटेड है। इसको बनाने में कोई आधुनिक टेक्निक शामिल नहीं है। एक व्यक्ति की सवारी में लगभग 4 से 6 लोग गंडोला को खींचते हैं। राइड में गंडोला के रस्से पर चलने की आवाज का शोर एक अलग ही डर पैदा करता है। गोंडोला में बैठना ही बहुत हिम्मत भरा मोमेंट होता है। अब बैठना तो था ही, किसी तरह डर पर काबू पाया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर गोंडोला में बैठ गए, पर महासागर की उफनती लहरें डरा रही थी। तिमांग आइलैंड, जो वहां की भाषा में पुलाऊ पन्यांग के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसे समय के साथ महासागर की तेज लहरों ने चट्टानों को काट काट कर एक टापू बना दिया। यह कुदरत का अद्भुत नमूना है। इस द्वीप पर कोई नहीं रहता है, केवल स्थानीय लोग लॉबस्टर पकड़ने जाते हैं। नीले सागर की शक्तिशाली लहरें किनारों के साथ टकरा रही हैं। यहां आकर हिंद महासागर का 360 डिग्री व्यू देखना अविस्मरणीय है। समुद्र के खारे पानी से चट्टान में धारदार कटाव हो गए, इनके ऊपर बहुत संभाल कर चलना चाहिए। तस्वीरें लेने के लिए कुछ बहुत अच्छे स्पॉट भी हैं। गोंडोला के नजदीक ही 120 मीटर लंबा रस्सियों से बना एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, जिसे यहां आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बनाया गया है। यह ब्रिज भी तिमांग बीच को तिमांग आइलैंड से जोड़ता है। पार्किंग एरिया के पास फ्रेश लॉबस्टर और सी फूड के शौकीनों के लिए रेस्टोरेंट्स हैं। योग्यकार्ता से तिमांग बीच जाने में केव ट्यूबिंग और रिवर ट्यूबिंग का रोमांच भी ले सकते हैं और लौटने में पाइन ट्री पार्क भी घूम सकते हैं, जिसके डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद पर देख सकते हैं। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।